नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत, आप देख रहे हैं धनश्री टेक्निकल। तो आइए चलते हैं दोस्तों, फटाफट न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि उसी से ही आपको जो है वो नोटिफिकेशन आएगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी फटाफट न्यूज को, बिना कोई देरी किए हम जल्दी जल्दी सारे दिन भर की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज जो है मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आऊंगा। तो आइए जो है वो वीडियो को जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो करते हैं वो है, जैसे कि अपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, ऑनर के 7X के लिए है जो पहली न्यूज आ रही है। जैसे कि आपने, आपको पता होगा कि OnePlus 5T में जो फेस डिटेक्शन अनलॉकिंग सिस्टम है, उसी तरीके का एक फेस अनलॉकिंग का जो सिस्टम है वो जो है ऑनर के 7X में जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा ऑनर ने अपनी तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। एक OTA अपडेट आएगा जिसको करने के बाद जो है वो आप भी जो है अपना फेस अनलॉकिंग जो है वो आप ऑनर 7X में जो है वो कर पाएंगे। और ये जो है बिल्कुल ही OnePlus 5T की तरह से जो है वो काम करेगा। जैसे OnePlus 5T का जो है फेस अनलॉक काम करता है, वैसे ऑनर 7X में जो है वो काम करेगा फेस अनलॉक का सिस्टम। अब सेकंड जो बात करते हैं वो है MIA1 के लिए। जैसे मी का A1 है, उसके लिए एंड्रॉइड के अपडेट्स जो है वो आ रहे थे, पर बीच में कुछ नहीं हो रहे थे कि उसमें कुछ बग्स हैं, तो उस कारण से जो है वो रोक दिए गए थे। लेकिन अब फिर से उसको जो है चालू करने की बात जो है वो शुरू हो गई है, वो जल्दी आने वाला है। साथ ही एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी जो है वो आने वाला है, जो कि 89 MB का होगा। और जब आप इस सिक्योरिटी पैच अपडेट को जो है अपडेट कर लेंगे अपने फोन में, तो जैसे कि ऑनर के फोन में होता है, आप फिंगरप्रिंट जेस्चर से जो है फोटो स्वाइप वगैरह कर सकते हैं, उस तरीके से आप मी के A1 में भी कर पाएंगे और बहुत जल्दी एंड्रॉइड का ओरियो भी जो है आप अपने फोन में अपडेट कर पाएंगे। तीसरी जो न्यूज आ रही है दोस्तों, वो भी आ रही है OnePlus की तरफ से। OnePlus 5T में जो फेस अनलॉक का सिस्टम है वो जो है OnePlus 3 और OnePlus 3T में भी जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है OTA अपडेट के थ्रू। आप जैसे ही वो अपडेट करेंगे, आप भी जो है अपनी फीचर्स जो है फेस अनलॉक का वो OnePlus 3 और OnePlus 3T में भी जो है वो यूज कर पाएंगे, और साथ ही साथ OnePlus 5T के कुछ और फीचर भी जो है वो यूज कर पाएंगे। अब बात करते हैं चौथे नंबर की न्यूज की, जो आ रही है Xiaomi की तरफ से, जिसका कहना चाहिए Xiaomi का जो है वो Mi Max, जो कि काफी अच्छा फोन है, अभी तक मैं उसको यूज कर रहा हूँ। Mi Max 2 भी है मेरे पास, और अब जो न्यूज आ रही है वो आ रही है Mi Max 3 के लिए, जो कि बहुत जल्दी जो है वो लॉन्च होने वाला है। 16,900 रुपए इसकी कीमत होगी, और आप पिक्स में देख पा रहे होंगे पीछे की तरफ ड्यूअल कैमरे का सेटअप जो है वो दिया गया है, और साथ ही साथ इसमें 18:9 का एक्सपेक्ट रेशियो भी दिया जाएगा। स्क्रीन की साइज जो है वो 6.99 इंचेस होगी। 5500 mAh की बैटरी इसमें दी जाएगी। स्नैपड्रैगन का 635 जो है वो इसमें दिया जाएगा, और ये देखने में काफी ब्यूटीफुल जो है वो लग रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें पता नहीं क्यों स्नैपड्रैगन का 635 जो है वो दिया जा रहा है, क्योंकि पहले 660 जो है वो दिया गया था Mi Max 2 में, लेकिन बैटरी वगैरह काफी अच्छी है, और इसमें क्विक चार्जिंग 3.0 भी जो है वो दिया जा रहा है। तो काफी अच्छा फोन ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो देखते हैं कब मार्केट में आता है, और हो सकेगा तो हम इसका रिव्यू भी आपके लिए लेके आएंगे। पांचवी न्यूज की बात करते हैं दोस्तों, जो है आ रही है S9 और S9 प्लस के लिए, कि इसकी बहुत दिनों से जो है वो लीक्स निकल के आ रही हैं सैमसंग के S9 और S9 प्लस के लिए। इसमें जो है वो आपको 5.8 इंच की जो है वो स्क्रीन मिलेगी 18:9 के एक्सपेक्ट रेशियो के साथ। 3000 mAh की बैटरी मिलेगी S9 में, 3500 mAh की बैटरी मिलेगी S9 प्लस में। साथ ही साथ इसमें स्नैपड्रैगन का 845 जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। पीछे की तरफ 12 MP का कैमरा है, और सामने की तरफ जो है वो 8 MP का कैमरा जो आपको देखने के लिए मिल सकता है, और बहुत ही जल्दी ये जो मार्केट में लॉन्च होने वाला है CES में इसको जो है वो शो किया गया था, तो देखते हैं कि कितने जल्दी ये मार्केट में जो वो आता है। और लास्ट जो न्यूज आ रही है वो आ रही है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने अपना एक बहुत ही जो है अच्छा एक फोन जो है मार्केट में उतारने के लिए जो है वो रेडी कर लिया है। बहुत ज्यादा खास नहीं है, पर ठीक ठाक सी स्पेसिफिकेशन है। इसमें आपको 5.7 इंच की एक स्क्रीन मिलेगी, 3180 mAh की बैटरी मिलेगी, 4GB का रैम, 13 MP का कैमरा पीछे की तरफ और 8 MP का कैमरा फ्रंट की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कि ओप्पो और वीवो के कैमरे अच्छे होते हैं, तो कैमरे जाहिर से अच्छे होंगे, और वही सेल्फी वाला इनका फंडा होगा, ये सेल्फी वो सेल्फी। और इस फोन का नाम है ओप्पो A83, और जहां तक ये है वो 13,000 से 15,000 के बीच में कुछ इसकी प्राइसिंग होगी, और बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है।
तो इस तरीके की आज की कुछ जो है वो सुपर फास्ट न्यूज थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।